हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ पाइपलाइनिंग को। पाइपलाइनिंग की हम बात करेंगे CAHM यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस सब्जेक्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। CAHM यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर आप सीक्वेंस से सारी वीडियोज़ को एंड तक देख सकते हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट तैयार है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। पाइपलाइनिंग क्या है सबसे पहले ये समझेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पाइपलाइनिंग के अंदर क्या क्या ऑपरेशन हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करें पाइपलाइनिंग क्या है। तो पाइपलाइनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, सिक्वेंशियल प्रोसेस को सब ऑपरेशन में डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, यानी कोई भी सिक्वेंशियल प्रोसेस है उसको हम सब ऑपरेशंस में डिकम्पोज कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद अगर मान लीजिए मेरे पास सिक्वेंशियल प्रोसेस है उसको मैंने दो सब ऑपरेशंस में मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, और हर एक जो स्पेशल आपका सब हर एक सब प्रोसेस जो है वो आपका क्या होगा, स्पेशल डेडिकेटेड सेगमेंट्स में हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने सब पहला सब प्रोसेस, अगर मैंने एक प्रोसेस था उसको मैंने डिवाइड किया टू प्रोसेसेस में, टू सब प्रोसेसेस में, तो पहला सब प्रोसेस मैं पहले सेगमेंट्स में क्या करूँगी, पहले सेगमेंट में उसको ऑपरेट करूँगी और दूसरे सब प्रोसेस को मैं दूसरे वाले में ऑपरेट करूँगी। तो पाइपलाइनिंग को हम देख सकते हैं क्या कि प्रोसेसिंग सेगमेंट का कलेक्शन होता है। ठीक है, यानी सेगमेंट्स में आपके सब ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं और इनके कलेक्शंस को ही, सेगमेंट्स के कलेक्शन को ही हम पाइपलाइनिंग कहेंगे, जिसमें आपकी बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है। ठीक है, हर एक सेगमेंट में आप पार्शियल प्रोसेसिंग को परफॉर्म करेंगे, यानी पूरा का पूरा प्रोसेस एक सेगमेंट में एग्जीक्यूट नहीं होगा, अलग अलग सेगमेंट, यानी सेगमेंट को हम स्टेजेस भी बोल सकते हैं, तो अलग अलग स्टेजेस में आपके सब प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होंगे और सारे स्टेजेस में आपके, जब टोटल स्टेजेस में आपका सब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा तब जाके आपका टोटल प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये क्योंकि अलग अलग सब प्रोसेस को हम अलग अलग स्टेजेस में एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और रिजल्ट जो है वो आपका किस तरह से देखेंगे कि एक सेगमेंट का रिजल्ट दूसरे सेगमेंट के में हम इनपुट करेंगे। तो अगर हमें एक सेगमेंट का रिजल्ट, मान लीजिए कई सारे इस तरह से आपके सेगमेंट्स डिवाइडेड हैं, तो एक सेगमेंट का रिजल्ट दूसरे सेगमेंट में इनपुट करने के लिए हम रजिस्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रजिस्टर में हम क्या करेंगे, उस पहले सेगमेंट का रिजल्ट दूसरे सेगमेंट के रजिस्टर में हम स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम कंप्यूटेशन इन ईच सेगमेंट हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट इन पाइपलाइनिंग। ठीक है, फाइनल रिजल्ट कब मिलेगा, आफ्टर डेटा हैव पास थ्रू ऑल सेगमेंट, जब डेटा जो है सारे सेगमेंट से, सारे स्टेजेस से पास हो जाएगा तब जाके आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो पाइपलाइनिंग शब्द का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एनालॉगस टू एन इंडस्ट्रियल असेंबली लाइन। ठीक है, अब पाइपलाइनिंग की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो पाइपलाइनिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सेवरल कंप्यूटेशन कैन बी इन प्रोग्रेस इन डिस्टिंक्ट सेगमेंट एट सेम टाइम, यानी एक ही टाइम पे अलग अलग सेगमेंट्स में हमारा अलग अलग बहुत सारे कंप्यूटेशन जो है वो प्रोग्रेस में हो सकते हैं। यानी हमारे पास अगर फोर स्टेजेस हैं, यानी फोर सेगमेंट्स हैं, तो फोर के फोर सेगमेंट्स में एक ही टाइम पे अलग अलग कंप्यूटेशन जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं पैरेलली। ठीक है, तो कंप्यूटेशन में जो ओवरलैपिंग होगी वो आपकी पॉसिबल होगी, कैसे कि रजिस्टर का हम यूज़ करेंगे हर एक सेगमेंट्स के साथ,
पाइपलाइनिंग में, तो पाइपलाइन में आपका हर एक सेगमेंट के साथ रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। रजिस्टर क्या करते हैं, हर एक सेगमेंट के बीच में आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी आइसोलेशन यानी अलग अलग स्टेजेस को डिफाइन करते हैं। रजिस्टर का यूज़ क्या है कि जो भी जितने स्टेजेस होंगे जिसमें आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है अलग अलग स्टेजेस में, तो हर एक स्टेजेस में आपका अलग अलग स्टेजेस के बीच में हम रजिस्टर्स का यूज करेंगे, ताकि हम जब पहले स्टेज में जो कंप्यूटेशन करें उसको दूसरे स्टेज में पहुंचाने के लिए हम सबसे पहले उस डेटा को रजिस्टर में स्टोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपका स्टेज टू पे आपका अवेलेबिलिटी होगी स्पेस की, तब जाके हम उस रजिस्टर से डेटा उठा के उसको कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो सिंपलेस्ट वे क्या है पाइपलाइनिंग स्ट्रक्चर को देखने का, कि सेगमेंट्स होंगे, यानी जो भी सेगमेंट्स को हम स्टेजेस कह रहे हैं, तो स्टेजेस होंगे। स्टेजेस में आपका इनपुट रजिस्टर होगा, यानी एक रजिस्टर होगा और एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा। रजिस्टर में हम डेटा को होल्ड करेंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट से हम सब ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, ठीक है। यानी एक स्टेज पे आपका क्या होगा, कई सारे स्टेजेस होंगे, मान लीजिए 4 स्टेजेस को हम यूज़ कर रहे हैं, तो 4 स्टेजेस में आपके हर एक स्टेज पे आपका अलग अलग रजिस्टर ही होगा और एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा। रजिस्टर में हम डेटा को स्टोर करेंगे और कॉम्बिनेशनल सर्किट में ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो जो रिजल्ट आएगा वो हम रजिस्टर में स्टोर कर देंगे और सब ऑपरेशंस को हम उस स्टेज के लिए हम उस सब ऑपरेशन को कॉम्बिनेशनल सर्किट में ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो आउटपुट आएगा वो हम नेक्स्ट सेगमेंट में देने के लिए उसको रजिस्टर में स्टोर कर देंगे, और उसी में हम एक क्लॉक को भी अप्लाई करेंगे। क्लॉक जो है वो सभी रजिस्टर्स में, यानी जितने भी स्टेजेस हैं उन सब में, हर एक स्टेजेस में रजिस्टर्स होंगे, तो सारे के सारे रजिस्टर में हम एक क्लॉक को अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो पाइपलाइनिंग के थ्रू फ्लो हो जाएगी। पाइपलाइनिंग की ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई और ऐड ऑपरेशन साथ में परफॉर्म करना है, यानी कंबाइनली परफॉर्म करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो AI x BI + CI है, जिसमें I की वैल्यू हम 1 2 3 देके हम उसको परफॉर्म करेंगे। तो होगा क्या, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, स्टेजेस पे, हर एक स्टेज पे यानी हर एक सेगमेंट में हम एक रजिस्टर का यूज़ करेंगे और एक कॉम्बिनेशनल सर्किट का यूज़ करेंगे। रजिस्टर डेटा को स्टोर करेगा और कॉम्बिनेशनल सर्किट सब ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। तो हर एक सब ऑपरेशन में आपका क्या होगा कि सेगमेंट्स में आपका एक रजिस्टर होगा, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा। रजिस्टर में हम न्यू डेटा को रिसीव करेंगे हर एक क्लॉक पल्स पे, और मल्टीप्लायर और एडर को हम कॉम्बिनेशनल सर्किट की तरह यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे हमने 5 रजिस्टर्स का यूज़ किया है, R1, R2, R3, R4 और R5, 5 रजिस्टर्स हैं, और 2 आपकी कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज़ किए गए हैं, मल्टीप्लायर और एडर, ठीक है। मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई करने के लिए और एडर ऐड करने के लिए, ठीक है। तो R1 R2 में हम सबसे पहले ए और बी का डेटा जो है वो इनपुट करेंगे R1 और R2 में, और R1 R2 से डेटा जो है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट में लेंगे। कॉम्बिनेशनल सर्किट इन दोनों पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और रिजल्ट R3 में स्टोर कर देगा, ठीक है। R3 में डेटा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्टोर हो जाएगा। अब C1 का डेटा, CI का डेटा जो है वो R4 में स्टोर करेंगे, और इन दोनों का डेटा जो है, यहाँ का रिजल्ट यानी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट और C1 का डेटा जो है वो हम एडर में देंगे, यानी यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट है इसमें देंगे, और एडिशन परफॉर्म करेंगे हम R3 और R4 के डेटा पर, ठीक है। और जो रिजल्ट आएगा वो हम R5 में स्टोर कर देंगे। तो इस तरह से आपके पैरेलली जो है वो आपके ऑपरेशंस परफॉर्म होते रहेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, 5 रजिस्टर्स जो है वो न्यू डेटा को लोड कर रहे हैं हर एक क्लॉक पल्स पे, और इसको हम टेबल के थ्रू देखते हैं। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्लॉक पल्स दिया गया है, 9 क्लॉक पल्स लिए गए हैं, जिसमें आपका सबसे पहले A1 I की वैल्यू 1 रख के हम A1 B1 कैलकुलेट कर लेंगे। A1 B1 को हम R1 R2 में स्टोर कर देंगे।
फिर R3 में उसका रिजल्ट कंप्यूटेशन के बाद यानी मल्टीप्लिकेशन के बाद हम उसका रिजल्ट R3 में स्टोर कर देंगे, फिर R4 में C1 करके और R5 में उन दोनों का, इन दोनों का R3 और R4 का एडिशन करके हम इसमें स्टोर कर देंगे R5 में, ठीक है। इसी तरह से A2 V2 पे भी करेंगे तो आपका सारा डेटा जो है वो इस तरह से पैरेलली एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। तो टोटल आपके कितने क्लॉक साइकिल में होगा? टोटल आपके 9 क्लॉक साइकिल लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए इस तरह से आपका यही लिखा हुआ है, इसमें नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे हम फोर सेगमेंट पाइपलाइन की बात करेंगे। फोर सेगमेंट पाइपलाइन क्या होता है? फोर सेगमेंट पाइपलाइन का मतलब यहाँ पे हम फोर सेगमेंट्स का यूज़ करेंगे यानी फोर स्टेजेस का यूज़ करेंगे। फोर स्टेजेस में किसी भी प्रोसेस को, किसी भी जो भी आपका टास्क है उसको हम सारे टास्क को फोर स्टेजेस में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जो भी टास्क होगा वो फोर स्टेजेस में हमारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ऑपरेंड्स हमारे फोर सेगमेंट से पास होंगे और एक फिक्स सीक्वेंस में पास होंगे, ठीक है। और हर एक सेगमेंट में आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट SI यूज़ होगा जो आपका सब ऑपरेशन परफॉर्म करेगा डेटा स्ट्रीम पे, ठीक है। सेगमेंट्स जो है वो रजिस्टर्स के थ्रू सेपरेट किए जाएंगे। रजिस्टर में हम इंटरमीडिएट डेटा को, इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी कॉमन क्लॉक पल्स के थ्रू सारे रजिस्टर्स जो है वो आपके सिमल्टानियसली डेटा को स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। और जो आपका इन्फॉर्मेशन फ्लो होगा वो एडजेसेंट स्टेजेस के बीच में होगा और इसको कंट्रोल करने का काम कॉमन क्लॉक करेगी, ठीक है। तो टास्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि आपकी जो टोटल ऑपरेशन इन सारे सेगमेंट्स में, इन सारे स्टेजेस में जितने ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो पूरा का पूरा आपका टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब अगर हमें पाइपलाइनिंग का बिहेवियर जानना है कि पाइपलाइनिंग किस तरह से वर्क कर रही है, तो हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम डायग्राम। और ये डायग्राम जो है वो सेगमेंट की यानी स्टेजेस की यूटिलाइजेशन को जो है वो शो करेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो स्पेस टाइम डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पे हम फोर सेगमेंट पाइपलाइनिंग को देखने वाले हैं जिसमें हॉरिजेंटल एक्सिस रिप्रेजेंट करेगी क्लॉक साइकिल को और वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट करेगी सेगमेंट नंबर को यानी स्टेज नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर सेगमेंट पाइपलाइनिंग में हमने फोर सेगमेंट्स यानी फोर स्टेजेस लिए हैं, S1, S2, S3, S4, और इनके बीच में हमने रजिस्टर्स का यूज़ किया है R1, R2, R3, R4, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ स्टेजेस होंगे उतने नंबर ऑफ आपके रजिस्टर्स यूज होंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट डेटा स्टोर करने के लिए। अगर आपसे कहा जाए फोर सेगमेंट्स तो यानी फोर स्टेजेस यूज किए गए हैं और वहाँ पे फोर रजिस्टर्स का यूज़ किया गया है, ठीक है। अब मान लीजिए हमें सिक्स टास्क जो है वो हमें परफॉर्म करने हैं, T1 से T6 तक हमें सिक्स टास्क फोर सेगमेंट्स के थ्रू परफॉर्म करने हैं। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले टास्क T1 आएगा, टास्क T1 को हम सेगमेंट 1 में क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो पहले क्लॉक साइकिल में हम टास्क T1 को S1 में एग्जीक्यूट करेंगे पहले स्टेज में, फिर नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में सेकेंड स्टेज में चला जाएगा T1। तो जब सेकेंड स्टेज में टास्क T1 चला जाएगा तो यहाँ पे स्पेस खाली हो जाएगी, तो अब यहाँ पे टास्क T2 आ जाएगा, ठीक है। टास्क T2 S1 में आ जाएगा, ठीक है। तो S2 के बाद नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में टास्क T1 जो है वो S3 में चला जाएगा। अब यहाँ पे स्पेस खाली हो गया तो टास्क नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में ही आपका टास्क T2 जो है वो S2 में आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर स्टेज 1 जो है वो खाली हो गया तो टास्क T3 यहाँ रन होने लगेगा, ठीक है। इसी तरह से आपका यहाँ T1 था तो T1 यहाँ पे आ जाएगा और T2 इसके प्लेस पे आ जाएगा और यहाँ पे आपका T3 आ जाएगा सेकेंड वाले स्टेज पे, फिर S1 खाली हो जाएगा यानी स्टेज 1, तो यहाँ पे आ जाएगा T4, ठीक है। तो इस तरह से आपके पैरेलली कई सारे टास्क परफॉर्म होते रहेंगे अलग अलग स्टेजेस में, ठीक है। तो इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट टास्क T1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर फोर्थ क्लॉक साइकिल यानी फोर्थ क्लॉक साइकिल के बाद, क्योंकि हमारे फोर सेगमेंट यूज़ किए जा रहे हैं। अलग अलग क्लॉक साइकिल में हम
हर एक क्लॉक साइकिल में अलग अलग सेगमेंट्स में रह रहे हैं, तो 4 सेगमेंट्स टोटल हैं, तो 4 क्लॉक साइकिल में आपका टास्क T1 परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका पाइपलाइनिंग पाइप जो है वो एक टास्क को कंप्लीट कर लेगी हर एक साइकिल पे, ठीक है। तो इस अगर पहला वाला टास्क क्या करेगा, पूरा का पूरा से स्टेज कवर करेगा, लेकिन उसके बाद जितने सारे टास्क बचेंगे उनको सिर्फ एक क्लॉक साइकिल लगेगा कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। तब ये मैटर नहीं करेगा कि कितने सेगमेंट्स हैं, ठीक है, सबको एक एक क्लॉक साइकिल लगेगी, ठीक है। 1 क्लॉक पीरियड जो है वो लगेगा आउटपुट देने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अगर देखें कि के सेगमेंट पाइपलाइन है, यानी के स्टेजेस यूज़ किए जा रहे हैं, तो पहले वाले को तो के स्टेजेस जो हैं वो पहले टास्क को परफॉर्म करने होंगे, लेकिन उसके बाद के जितने टास्क होंगे उनको सिर्फ एक एक क्लॉक साइकिल जो है वो एग्जीक्यूट होने में लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टास्क T1 को हमें टोटल के इंटू पाइपलाइनिंग टाइम लगेगा, ठीक है, यानी जितने नंबर ऑफ स्टेजेस होंगे उतने टाइम लगेगा, लेकिन जो रिमेनिंग N-1 टास्क होंगे उनको सिर्फ एक एक क्लॉक साइकिल लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम N टास्क हैं हमारे पास तो कितना टाइम लगेगा, कितने क्लॉक साइकिल, K+N-1 क्लॉक साइकिल लगेंगे। यानी यहाँ पे अगर हम 6 स्टेजेस की बात कर रहे हैं तो 6 स्टेजेस की सॉरी 4 सेगमेंट पाइपलाइनिंग है तो 4 स्टेजेस हैं और 6 टास्क हैं, तो 4K की जगह हम 4 रख देंगे क्योंकि नंबर ऑफ स्टेजेस को हम K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 4 स्टेजेस हैं तो 4+N-1, N की जगह पे टोटल टास्क कितने हैं, 6 हैं, 6-1 यानी 5, 5+4 9 क्लॉक साइकिल जो है वो हमें लगेगा टोटल टास्क को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वो आपका कैलकुलेट किया जाता है पाइपलाइनिंग टाइम। स्पीड अप कैसे कैलकुलेट करते हैं, N×TN डिवाइडेड बाय K+N-1×TP। अगर मान लीजिए टीपी जो है, मान लीजिए पाइपलाइनिंग नंबर ऑफ टास्क जो है N अगर लार्जर हो गया, ठीक है, N लार्जर हो गया तब क्या होगा, अगर N लार्जर हो गया तो K+N-1 जो है वो N के बराबर हो जाएगा, तो हमारा स्पीड अप आ जाएगा TN/TP, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो जिस स्पेस टाइम डायग्राम की हम बात कर रहे थे वो स्पेस टाइम डायग्राम ये है, जिसके थ्रू हम पाइपलाइनिंग की परफॉर्मेंस को देखेंगे। तो यहाँ पे हॉरिजेंटली हम क्या शो करेंगे, क्लॉक साइकिल्स को, और वर्टिकली हम स्पेस टाइम डायग्राम को देखेंगे। तो पहले स्टेज में आपका क्या हो रहा है, टास्क T1 हो रहा है रन। सेकेंड स्टेज में आपका नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में सेकेंड स्टेज में आ गया T1, तो यहाँ स्पेस खाली हो गया, तो यहाँ T2 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड क्लॉक साइकिल में थर्ड स्टेज में आ गया T1, तो अब T2 जो है वो सेकेंड क्लॉक सेकेंड स्टेज में आ गया, ठीक है, और फर्स्ट स्टेज खाली हो गया तो यहाँ T3 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ क्लॉक साइकिल में आपका T1 देखिए कंप्लीट हो गया और T2 आ गया थर्ड स्टेज में, T3 आ गया सेकेंड स्टेज में, और फर्स्ट वाला स्टेज खाली था तो T4 भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। T1 यहाँ फोर्थ साइकिल में कंप्लीट हो गया, इसको बाहर निकाल देंगे। उसके बाद T2 यहाँ पे लास्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, फिफ्थ क्लॉक साइकिल में। इस तरह से T3 सिक्स क्लॉक साइकिल में कंप्लीट होगा, T4 सेवन में। तो आप देख सकते हैं कि T1 जो है सबसे पहला टास्क आपको टोटल जितने स्टेजेस हैं उस टोटल स्टेजेस में आपके कंप्लीट होंगे, यानी जो T1 है उसको टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस कितने हैं, 4, तो 4 क्लॉक साइकिल T1 को लगे। लेकिन उसके बाद T2 को कितना लगा, 1 क्लॉक साइकिल, T3 को भी 1 क्लॉक साइकिल, T4 को भी 1 क्लॉक साइकिल। यानी आप देख सकते हैं कि पहले टास्क को तो पूरे जितने स्टेजेस हैं उतने आपके क्लॉक साइकिल लगेंगे, लेकिन बाकी के सारे टास्क को एक एक क्लॉक साइकिल लगेगा। तो टोटल आपके कितने हो गए, टोटल हो गया T1 के लिए 4 क्लॉक साइकिल, ठीक है, प्लस जितने आपके टास्क बचे, 5 टास्क बचे, तो 5 टास्क कितने हुए, 5, इनको एक एक क्लॉक साइकिल लगा, तो टोटल हो गया 9 क्लॉक साइकिल। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल निकाल लेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।